दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर तलवारबाजी वर्ल्ड कप में गुना जिले के गौरव दीपक शर्मा, जो कि इटली में अब अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर तलवारबाजी वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राघोगढ़ विधायक आज अपने जैन समाज के सहधर्मियों के साथ चंद्रोदय क्षेत्र चांदखेड़ी पहुंचे एवं मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज से राघोगढ़ पधारने का निवेदन किया। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर एवं मेडिकल उपकरण बैंक के निर्माण करवाने पर लॉयंस क्लब गुना सिटी की ओर से मुकेश श्रीमाल गोलू राघोगढ़ को हेल्पिंग हैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक महीने में SNCU में 9 की मौत, 24 गंभीर बच्चों को दूसरे जिले में किया गया रेफर। जिला अस्पताल में SNCU में अक्टूबर महीने में 576 बीमार नवजातों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। गंभीर रूप से बीमार 24 नवजातों को SNCU से दूसरे जिलों में रेफर किया गया। उधर अक्टूबर महीने में इलाज के दौरान 9 बच्चों की मौत भी हुई। सिविल सर्जन की रिपोर्ट को माने तो 234 बच्चे स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं जिला अस्पताल के SNCU में अक्टूबर महीने में 576 नवजातों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। गंभीर रूप से 24 नवजातों को SNCU से दूसरे जिलों में रेफर किया गया। उधर अक्टूबर महीने में इलाज के दौरान 9 बच्चों की मौत भी हुई। शहर के बड़े बकायादारों से संपत्ति कर की वसूली के लिए नगरपालिका ने घर और दुकानों के बाहर ढोल बजाए, लेकिन उसके बाद भी बकायादारों ने संपत्ति कर जमा नहीं किया। अब इन बकायादारों के घरों और मार्केट पर अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया है। 40 बड़े बकायादारों की इस नोटिस के बाद संपत्ति की कुर्की की जाएगी। नगरपालिका की टीमें मंगलवार से यहां अभियान चलाएंगी। बकायादारों पर अभी संपत्ति जल और समेकित कर का करीब 25 करोड़ रुपए का आया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिद्ध धाम राम टेकरी पर विशाल अन्नकूट का किया गया आयोजन। सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे प्रसाद ग्रहण करने। भंडारे का आयोजन 2 बजे से लेकर देर शाम तक चलता रहा। जनजातीय दिवस संपन्न कराने सही व्यवस्था रहे सुनिश्चित, बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज संभाग आयुक्त, कलेक्टर एवं जिला के अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में मनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के जनजातीय किसानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स को जनजातीय किसानों को गौरव दिवस पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में ले जाने एवं लाने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत मेले का आयोजन 9 नवंबर को दोपहर 2 बजे गोपी सागर बांध परिषद जनपद राघोगढ़ के ग्राम देहरी में किया जाएगा। आयोजित मेले में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी। परिवार में चली आ रही आंतरिक कलह को गुना पुलिस के परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से सुलझाया गया। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के समक्ष आए दिन पारिवारिक कलह से पीड़ित फरियादियों द्वारा अपनी शिकायतें की जाती हैं। पारिवारिक विवाद की शिकायतकर्ता महिला पुरुष को गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना और समझा जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनके पारिवारिक विवादों को सुलझाकर आपसी समझौते कराने हेतु पुलिस के परिवार परामर्श केंद्र को निर्देश दिए जाते हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवार परामर्श केंद्र में भेजे जाने वाले पारिवारिक विवादों के आवेदनों पर परिवार परामर्श केंद्र की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आवेदक एवं अनावेदकों को केंद्र पर बुलाकर आपस में समझौता कराए जाते हैं एवं समझौता कराए गए परिवारों में आगे पुनः कोई विवाद ना हो इसके लिए प्रतिमाह समीक्षा तारीख दी जाती है। इस तारीख को आवेदक अनावेदक केंद्र पर उपस्थित होते हैं एवं जिनसे पुलिस टीम द्वारा उनकी वर्तमान में एक दूसरे से कोई शिकायत होने न होने के संबंध में पूछताछ की जाती है। यदि समझौते के बाद भी किसी परिवार में पुनः विवाद की स्थिति बनती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है।
जिला बदर कुख्यात सटोरिया महमूद बेग प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार। जिले में अपराधियों की धरपकड़ हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा ऑपरेशन सिकंजा चलाया जा रहा है। इसके तहत गुना पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों के आरोपितों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में गुना का कुख्यात सटोरिया महमूद बेग पुत्र यूसुफ बेग उम्र 47 साल निवासी तलैया मोहल्ला गुना को जिला बदर अवधि में कोतवाली पुलिस द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर करें त्वरित कार्यवाही, बोले जिला कलेक्टर। महत्वपूर्ण पत्रों पर कार्यवाही न करने वाले दो अधिकारियों को किए नोटिस जारी। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों सहित महत्वपूर्ण पत्रों, समय सीमा के पत्रों, जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही कर निराकरण की स्थिति से अवगत कराएं। इसी क्रम में जनप्रतिनिधियों के पत्रों के निराकरण में विलम्ब पर जिला शिक्षा अधिकारी सी एस सिसोदिया तथा लोक निर्माण विभाग पीआईयू के एसडीओ एन के अग्रवाल के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल में आयोजित कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को जो काम सौंपे गए हैं उन्हें समय पर पूरा करें। 3 दिसंबर को रावगढ़ में लगेगा ब्लड डोनेशन का मेगा कैंप। कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए ने जिले में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा अन्य जरूरतमंदों को रक्त की आपूर्ति पूर्ण करने के उद्देश्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रक्तदान शिविरों के माध्यम से जरूरतमंदों के लिए ब्लड एकत्रित करें। सभी अनुभागीय स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे। रावगढ़ में आगामी 3 दिसंबर को रक्तदान शिविर का मेगा कैंप लगेगा। पंचायत निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबल द्वारा लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायत निर्वाचन के संबंध में जिन अधिकारियों को जो दायित्व सौंपे गए हैं उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में निर्धारित प्रीपत्र में भरकर 9 नवंबर को अपराह्न 3 बजे तक अनिवार्य रूप से फ्रीज करना सुनिश्चित करें। पटवारी को पद से पृथक किया। अनुभागीय अधिकारी गुना वीरेंद्र सिंह द्वारा जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर तत्कालीन पटवारी ग्राम सिंहवासा नगरीय तहसील गुना अजय सेलर तहसील गुना नगर को पद से पृथक किया है। किसान को गुमराह करने की शिकायत की जांच में दोषी पाए जाने पर अनुभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है। किसान का रकबा नक्शा पूरा होने के उपरांत भी पटवारी रकबा कम बताकर किसान को गुमराह कर रहा था। गुना जिले के धरनौदा थाना के झागर पुलिस चौकी अंतर्गत आज सुबह हुए भीषण एक्सीडेंट में 2 गायों की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्राला चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। झागर चौकी प्रभारी संतोष तिवारी ने जानकारी देते बताया कि सुबह झागर चौकी अंतर्गत ग्राम झागर और धाननखेड़ी के बीच तेज गति से जा रहे ट्राला ने सड़क पर जा रही 2 गायों में टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने आरोपी ट्राला चालक लालाराम जाट को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी ट्राला चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। जिले के कुमराज थाना अंतर्गत ग्राम अमल्या में मामूली विवाद के चलते एक राय होकर लोगों ने युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 307 का मामला पंजीबद्ध किया है। ग्राम बमुरिया के ग्रामीण जनों ने समस्याओं को लेकर की बैठक। आरोन के ग्राम बमुरिया ब्लॉक आरोन में एकता परिषद की विशेष पहल पर शहरी आदिवासी जनजाति समुदाय की मूलभूत समस्याओं की बैठक की गई। बैठक में अध्यक्षता मदन सहरिया ने की। अचड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने सड़क का किया भूमि पूजन। मकसूदनगढ़ के दिरोली गांव से शोनखेड़ी गांव जाने वाली सड़क का भूमि पूजन चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया। साथ ही गुंजारी आलमपुरा गांव सड़क का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता भी चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह के साथ उपस्थित रहे।
गुना जिले के कुमराज में महिला की नौकरी लगने पर गांव के ही लोगों ने उसके ससुराल पक्ष से विवाद किया। विवाद इतना पड़ गया कि महिला के ससुर को गोली मार दी। गोली सीधी उनकी जांग में जाकर लगी। घायल को कुमराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हालात गंभीर होने पर घायल को इंदौर रेफर किया गया। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस ने एक अज्ञात सहित 5 लोगों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। महिला की कुछ समय पहले ही आंगनवाड़ी में नौकरी लगी है। शहर के बड़े बकायादारों से संपत्ति कर की वसूली के लिए नगरपालिका ने घर और दुकानों के बाहर ढोल बजाए, लेकिन उसके बाद भी बकायादारों ने संपत्ति कर जमा नहीं किया। अब इन बकायादारों के घरों और मार्केट पर अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया है। 40 बड़े बकायादारों की इस नोटिस के बाद संपत्ति की कुर्की की जाएगी। नगरपालिका की टीमें मंगलवार से यहां अभियान चलाएंगी। बकायादारों पर अभी संपत्ति जल और समेकित कर का करीब 25 करोड़ रुपए का बकाया है। सीएमओ सिंह यादव ने बताया कि शहर में पिछले एक वर्ष से बड़े बकायादारों से वसूली को लेकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनके ऊपर संपत्ति कर बकाया है, उन्हें हमने अंतिम नोटिस दिया है। इसके बाद यदि वो संपत्ति कर जमा नहीं करते हैं तो कार्रवाई आगामी दिनों में की जाएगी, ताकि संपत्ति कर समय पर जमा हो सके। राघोगढ़ विधायक आज अपने जैन समाज के सहधर्मियों के साथ चंद्रोदय क्षेत्र चांदखेड़ी पहुंचे एवं मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज से राघोगढ़ पधारने का निवेदन किया। आज हमारे चांदखेड़ी के इस प्राचीन स्थल पे हमारे बीच विराजमान परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुधागर महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, और विशेषकर हमारे समिति के अध्यक्ष आदरणीय हुकुम जैन साहब, राघोगढ़ से पधारे हमारे जैन समाज के परिवार के कुटुंब के मेरे सभी साथीगण, भाइयों बहनों, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं। और जो मेरे मित्र राजस्थान से यहां विराजमान है, मैं जयवर्धन सिंह वर्तमान में दूसरी बार का विधायक हूं। 15 महीने मंत्री रहा था कमलनाथ जी की सरकार में, लेकिन जब 2013 में पहली बार सुधा सागर महाराज जी रावगढ़ उस समय पधारे थे और विराजमान थे, मैं उस समय ना तो विधायक था ना कोई पूर्व मंत्री था, लेकिन मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं आज जो भी कुछ हूं उसमें विशेष आशीर्वाद महाराज जी का रहा है। परम पूज्य गुरुदेव, आप जब उस समय रावगढ़ में विराजमान थे, आपके आशीर्वाद से हमारे शहर के प्रमुख मार्ग पर आपके ही नाम से सुधा सागर धाम आज वहां निर्मित हो चुका है। लगभग 80-90% काम पूरा हो चुका है और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द जब भी आपके चरण वापस एक बार हमारे शहर में आपका आगमन होगा, तो हम आपको वो काम 100% करके उससे पहले आपको प्रस्तुत करेंगे। और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है,
आठ साल पहले जब आप हमारे बीच गुना जिले में विराजमान थे, आज रावगढ़ शहर में भी एक भव्य नया मंदिर निर्मित हो रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिद्ध धाम राम टेकरी पर विशाल अन्नकूट का किया गया आयोजन। सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे प्रसाद ग्रहण करने। भंडारे का आयोजन 2 बजे से लेकर देर शाम तक चलता रहा। जी बाबा जी, सिद्ध राम टेकरी धाम पर अब की बार जो अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है, कैसा? सुंदर भक्तों के द्वारा और सब ये श्रद्धालु भक्त लोग कर रहे हैं और 8 वर्षों से चला आ रहा है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या अंतर आया? पिछली बार कोविड का ज़्यादा संभावना थी। हाँ, आपकी बार सुंदर है, जनता भी आ रही है। पहली बार तो क्या रोक लगा दी गई थी, तो उस टाइम पे नहीं हो पाया था यहाँ पे अन्नकूट, और अब सुंदर पूजा अर्चना की गई है, भोग लगाया गया है, कैसा? सुंदर सुंदर सिद्ध बाबा का भोग लगाया गया, हनुमान जी महाराज का भी धूपड़ा वगैरह लगाया गया सबका, और सुंदर पूजा अर्चना के साथ में अन्नकूट की तैयारियां चल रही हैं। कितने भक्तों की आने की संभावना है? कम से कम नहीं तो 7-8 हज़ार के समथिंग थी। कितने वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं? मुझे कम 9 वर्ष हो गए। हाँ, कितने सालों से लगातार ये अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है? ये 8 वर्षों से आयोजन चालू है, 1 वर्ष बाद से चालू हो चुका था भक्तों के द्वारा। बढ़िया सुंदर चल रहा है, सिद्ध बाबा और अम्मा की कृपा से। अंदर ज्योति मई है, 10 साल से अखंड ज्योति मई चल रही है, 9 वर्षों से यहाँ पे आयोजन किया जाता है इसका। कैसा ये सिद्ध कौन सा धाम है, मतलब यहाँ पे? हाँ जी, सिद्ध परिस्थिति जी, अभी सिद्ध राम टेकरी बोलते हैं, सिद्ध बाबाओं का, सिद्ध बाबा जिंद बाबा का, हनुमान जी महाराज का स्थान है जी, और पुरानी तपोभूमि है सिद्धों की, वहाँ पे बढ़िया विशाल सब भक्तों के सहयोग से। हाँ, सब राम टेकरी समिति है उनके सहयोग से, और फिर सब गुना वासियों के सहयोग से यहाँ पे निर्माण भंडारे के आयोजन रखा गया है। ये अभी हमारी एक सेवा समिति बनी हुई है, उसमें मैं अध्यक्ष पद पर हूँ। अन्नकूट का कार्यक्रम जो किया जा रहा है सभी भक्तों के द्वारा किया जा रहा है, और भगवान श्री राम की ऐसी कृपा है कि हर वर्ष चौथ को यहाँ पे अन्नकूट भंडारा का प्रोग्राम होता है, और इस बार भी किया हुआ है। तो सभी भाइयों का और भक्तों का इसमें सहयोग है, और सबके सहयोग से ये अन्नकूट आज सफल होने जा रहा है। इसलिए मैं सभी भक्तों को हृदय से अभिनंदन, वंदन एवं धन्यवाद देता हूँ, जो इस कार्यक्रम में तन मन धन से सभी सहयोग कर रहे हैं उनके लिए। ये लगभग आज मुझे देखते देखते 8 वर्ष से करीब हो चुके हैं। बस मैं श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगा, जिस तरह इस अन्नकूट में सभी सहयोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, उस तरह से आगे भी इस हमारे श्री राम टेकरी मंदिर बनवाने में सहयोग करें, और धन कर्ण जो भी लगे उनके लिए बिल्कुल इस मंदिर में लगाएं। तो इसलिए मेरा ऐसा आग्रह है, और विश्वास भी है कि आगे भी सभी भक्त आगे सहयोग देते रहेंगे, और उसी सहयोग से यहाँ पे श्री राम टेकरी एक भव्य निर्माण रूप लेगी। थैंक यू। अचड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने सड़क का किया भूमि पूजन। मकसूदनगढ़ के दिरोली गांव से शोनखेड़ी गांव जाने वाली सड़क का भूमि पूजन चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया। साथ ही गुंजारी आलमपुरा गांव सड़क का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता भी चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह के साथ उपस्थित रहे।